सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ना एक धारा दिखा देता हूँ, पहाड़ी धारा जो होता है, जहाँ से तुम्हारी तरह एक इंसान जहाँ से ही मिल रहा है, लपेटते जाओ। जैसे हमने केदारनाथ वाले उसमें भंडारे में किया था, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ जो है पूजा सम्पन्न हुई। वैसे तो आज संडे का दिन है, पर हमारे गांव के लिए ना बहुत स्पेशल दिन है। आज हमारे गांव में एक ऐसे त्यौहार को मनाया जाता है जिससे मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। मैं सुबह उठा, मैंने अपना कैमरा उठाया और सोचा कि आज आपको दिखाते हैं अपने गांव की एक अनोखी परंपरा को, एक अनोखे त्यौहार को। तो अभी मैं रोड पर हूँ और मुझे जाना है गाँव के उस साइड पर, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और एक नए ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं यार। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से और हमारे गाँव के इन खूबसूरत नज़ारों से। तो चलो, मुझे जिनका इंतजार था वो मुझे मिली गए। भैया जी, गुड मॉर्निंग। और भैया ने देखो अपने हाथ पे ये पकड़ क्या रखा है इनमें। सर, प्रथम तो मैं ग्वालियर देवता को जो प्रणाम करता हूँ और सभी की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। गांव में खुशी रहे, पशुधन बना रहे और आज जो है हमारे गांव में ग्वालियर देवता की पूजा है। बच्चों में बड़ा उत्साह और महिलाओं, बुजुर्ग, युवा युवतियाँ बड़े उत्साह के साथ पूजा के लिए तैयार है। तो यार, अभी मैं उस वाली जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे ना वो त्यौहार मनाया जाता है। सभी बच्चे, बुजुर्ग, मतलब ये खासकर पूरे गांव का ही एक त्यौहार होता है जहाँ पे सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ बना के ले आते हैं, दूध, दही। इसके बारे में आपको आगे पूरा बताएंगे कि आज ही के दिन ये क्यों रीति रिवाज मनाया जाता है और ये त्यौहार किस चीज़ के लिए स्पेशल है, तो आज इसके बारे में पूरा बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ना एक धारा दिखा देता हूँ, पहाड़ी धारा जो होता है जहाँ से परमानेंट पानी निकलता रहता है, तो वो ना ये धारा है जहाँ से ठंडा पानी आपको गर्मियों में मिलता रहेगा और ठंडों में भी निकलता रहता है। और इस धारे की खास बात ये होती है कि इस पर ना ठंडों में गर्म पानी और गर्म में ना ठंडा पानी निकलता रहता है। और इसके बगल में जस्ट हमारे गांव का एक टैंक बना हुआ है जहाँ से ना लोग अपने घरों के लिए देखो कितने पाइप जॉइंट लेके आए हैं, बट ये पानी तो निकलता है और ये पानी कहीं से स्टोर किया हुआ है। पर्यटन गांव सारी में आप सभी का स्वागत है और दर्शकों का भी स्वागत है। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, सारी गांव के जो है ग्वालियर देवता के मंदिर में खड़े हैं। यहां पे आज पूजा अर्चना हुई है और बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ जो है पूजा संपन्न हुई। मैं थोड़ा इस पूजा के बारे में आप लोगों को बता दूं कि सावन माह में हर साल की तरह इस बार भी रविवार उखीमठ ब्लॉक के पर्यटन गाँव सारी में ग्वालियर देवता, ग्वाल वालों के देवता की पूजा संपन्न हुई। बता दें कि परंपरा व रीति रिवाज के अनुसार गांव में ग्वालियर देवता की पूजा दूध, दही, घी व मक्खन से की जाती है। ग्वालों के रूप में बच्चे, युवक, युवतियां, बुजुर्ग अपने अपने घरों से दूध, दही, घी, मक्खन मंदिर में ले जाकर देवता का लेप करते हुए सभी के घर में दूध, दही, घी का भंडार बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये वो मंदिर है जहाँ पे ना भगवान जी को पूजा जाता है, जो हमारे ग्वाल देवता हैं उनको पूजा जाता है और ये उनके पुजारी हैं। तो सब लोग जो भी अपने घर से दूध, दही वगैरह लेके आते हैं, तो देखो ताऊ जी को कैसे उन्होंने अच्छी तरीके से भिगो दिया। ये माना जाता है कि भगवान जी को ही हम अर्पित कर रहे हैं और भगवान की पूजा करते करते ना वहाँ पर भी दूध, दही, जो भी घर से बना हुआ प्रसाद था सब कुछ यहाँ पर डाल दिया। तो पूजा होने के बाद सब लोग ना अपना जो प्रसाद घर से बना के ले आते हैं, दूध, दही, घी, रोट वगैरह लेके आते हैं, तो सब लोग देखो शेयर करके खाते हैं। सब लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिया है, बाकी सब ने घर से एक जैसा ही खाना ले आया रहता है, सब ने कुछ अलग नहीं लाया रहता। जैसे आलू के गुटके हैं, दूध है, दही है और घी, मतलब गाय भैंस के उनसे बना हुआ जितना भी प्रोडक्ट रहता है सब लेके आया और ऐसा कुछ माहौल रहता है गाँव का। तो हम भी यहाँ पे टेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। यो सो दे सब डाल एक में एक बा बस यो दी ये भाई ये भाई कति खाओ नहीं तुम असली पूजा रही हुई वेगी तो अपना वाला भी रेडी हो गया। इसमें अब देखो सब ने मतलब मिल के खाते हैं सब लोग, तो यहाँ पे अपनी सब्जी, दही वगैरह सब जितना हो सकता है वहाँ पे इकट्ठा कर लिया।
बाकी एक ही पॉइंट रहता है कि मना नहीं करना, जहाँ से भी मिल रहा है लपेटते जाओ। जैसे हमने केदारनाथ वाले उसमें भंडारे में किया था, सेम सीन यहाँ पे भी होता है। तो अभी मैंने ले लिया अपना खाना और इसको खा के चलते हैं, फिर आपको इसकी परंपरा बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। और इतनी धूप है ना, इतनी गर्मी हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया मैं। तो इसको बोलते हैं हथकनी। हथकनी मतलब हाथ से पकड़ा हुआ एक छोटा सा बाउल टाइप का। तो इसमें ना हम घर से ये लेके आते हैं दनोला, जो रोटी से बनाते हैं। और इसको आप पराठा टाइप समझ सकते हैं कि नॉर्मल जो सिंपल पराठा होता है, लेकिन इसको एक पूजा पर जब ले जाते हैं तो इसको पराठा तो नहीं बोलते हैं, इसको दनोला टाइप का बोलते हैं। और इसको ऐसे लेके जाते हैं, तो जब भी हम पूजा में जाते हैं तो नॉर्मली इसी का यूज़ करते हैं। इस पर जब फूल चलते हैं, और जब हमारे घर पर ना हमारे गाँव में जब फूल दही का त्यौहार होता है, तो ये स्पेशल बच्चों के पास भी रहता है। तो आपने काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा बच्चे इस पर ना फूल डालने के लिए फूल दही का भी मनाते हैं। तो ये ऐसा कुछ रहता है। तो अब आपको बताते हैं इस पूजा का मतलब क्या होता है। ये जो पूजा होती है ना, ये जो त्यौहार होता है, ये हमारे गांव का बहुत स्पेशल त्यौहार है। और इसमें जो मेनली पूजा होती है वो हमारे गाय भैंसों की, हमारे पशुपालन की, और हमारे वन देवता को पूजा जाता है। और इसको हमारे गढ़वाली में जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ग्वालदिया देवता की पूजा है। और इसका मेन मतलब हिंदी में अगर जानना है तो ग्वाल देवता की पूजा होती है। ग्वाल मतलब गाय भैंस, और वन देवता दोनों को मिक्स करता है तो ग्वाल देवता की पूजा होती है। तो अब इस पूजा का मतलब आपको बताते हैं कि इस पूजा से होता क्या है। तो आज के दिन से हमारे इस पूजा से ऐसा होता है कि हमारे जो ऊपर ये जंगल है जहाँ से महिलाएं अपने गाय भैंसों के लिए चारा लेके आते हैं, आज से वो उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। वो अब अपने खेतों से ही चारा लेके आएंगे, और जो हम गाय भैंसों को वहाँ पे छोड़ देते थे कि आप अपने जंगल में जाइए चरिए, तो वो आज से बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो चारा खुलेगा, जो जंगल खुलेगा, वो सीधे दिवाली में खुलेगा। तो इस पूजा से आज से इस जंगलों को बंद किया जाता है। और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हम अगर अपना जंगल बंद भी करते हैं तो एक पूजा से करते हैं, और जब इसको खोलते हैं तो एक पूजा से खोलते हैं। तो ये इस पूजा का मतलब था। बाकी सब लोग अपने मिलजुल के करते हैं। और जैसे अभी भैया जी ने बताया था कि जहाँ जहाँ लोग घर पे रहते हैं, लोग करते हैं कि हमारे घर पे दूध दही घी है, और किसी के घर पे ना हो तो वो रात को ही दे देते हैं कि अब कल आपको पूजा में जाना है तो इसको लेके जाना, और वहाँ पे ऐसे ऐसे पूजा करनी है। तो सब लोग आते हैं और सब लोग मिलजुल के ऐसे काम करते हैं। बाकी अभी हमारा कैमरा मैन है क्रिश। हाय क्रिश। क्रिश कैसा है? क्रिश क्रिश को ना क्रिश बोल रहा था मुझे कैमरे में लो, और मैंने क्रिश को बोला कि हमारा कैमरा पकड़ ले, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर ले। बाकी अब चलते हैं क्रिश के साथ घर के लिए। ठीक है क्रिश। तो चलिए अब चलते हैं घर के लिए। और रास्ते में देखो मस्त मस्त आरू भी लगे हुए, अभी छोटे छोटे हैं, अभी पकने वाले हैं, तो अभी जब पकेंगे तब खाएंगे इनको। बाकी ऐसा कुछ रास्ता हमारे गाँव का। और अभी मैं और क्रिश भी जाने लग गए हैं घर के लिए, क्योंकि सब ने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया, सब ने पूजा वगैरह खत्म कर दिया, और इसके बाद चलते हैं सीधे कहाँ? घर के लिए। और आज क्रिश के घर पे चाय पीने चलेंगे। ठीक है क्रिश, चलो। चलो देखो ऐसे वहाँ छोटे छोटे बच्चे गए हुए हैं, और ये बूढ़े बूढ़े ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं दुकान पे बैठे हुए। अरे क्यों नहीं आए तुम गोलिया पिलाई में? और हम भी आ रखे हैं, हम उतनी दूर से आए हुए हैं। आज बंद रहे भाई? अरे मजेदार मजेदार। बाकी क्रिश भी अपने घर पे पहुंच गया। चलो क्रिश भाई, बाय बाय। और ये त्यौहार ना रविवार को मनाने का मेन रीज़न ऐसा भी है ताकि बच्चों की छुट्टी भी हो जाए, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनकी भी छुट्टी हो जाए, और ऐसा कुछ नज़ारा मिले बच्चों के साथ, फिर खूब भीड़ हो जाए और मज़ा आ जाए वहाँ पे। बूढ़ा जी एक शायरी हो जाए मस्त वाली, सुनाओ सुनाओ। आने वालो मुड़ के देखो इधर, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। हाय हाय हाय। एक और बड़ा जी, एक और हो जाए, एक और मज़ेदार हो जाए। और अभी ना मैं घर पहुंचने वाला हूं, और आपको एक बात बताते हैं कि अब इसे कोई इत्तेफाक बोलें या कोई भगवान की कोई जादू बोलें, कोई कृपा बोलें, कि जब भी ऐसी कोई पूजा वगैरह होती है और ये श्रावण का मंच चल रहा है, और इस टाइम पे बारिश हमेशा ही बारिश रहती है, हमेशा मैं जब ब्लॉग में दिखाता हूँ तो आपको दिखता ही होगा बारिश का मौसम रहता है। लेकिन जैसे ही आज हमने सोचा, हमारे गाँव में सोचा गया कि आज ये पूजा करनी है, तो मौसम देखो यार। अब कोई फोरकास्ट देखो तो पूजा करता नहीं है, बट जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो ये मौसम हमारा सच में बहुत साथ देता है, और सच में लगता है कि भगवान की सच में कोई कृपा है। नहीं तो वहाँ पे जो पूजा होनी थी ना वो सब ऐसा ही हो जाता, मतलब पानी पानी हो जाता। बट जो मौसम ने साथ दिया ना उसके लिए क्या ही बोलना, ये इत्तेफाक है या भगवान की कोई कृपा है, तो वो अब किसी को नहीं पता। बाकी अब चलते हैं घर के लिए, और घर पर भी अब मम्मी ने कुछ बना दिया होगा तो हम भी करते हैं नाश्ता। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों वो हथकंडी वगैरह लेके नहीं गया, पूरियाँ वगैरह लेके क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं आपको रीज़न बताता हूँ।
वो ना गांव में सारी जगह होता है, जहाँ जहाँ गांव के जितने नज़दीक ऐसे देवता होते हैं ना मंदिर, मतलब जंगल में जो मंदिर होते हैं ना वहाँ पे सारी जगह होता है। और हमारा वाला ना, हमारी जो पूजा होती है वो यहाँ पे होती है, बस इस पत्थर के पीछे पे हमारा मंदिर है, वहीं पे हम पूजा करते हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी, वहाँ पे ना भीड़ बहुत कम थी। अब मुझे ये बड़े स्तर पे आपको दिखाना था कि कैसे लोग आते हैं यहाँ पे, बस नॉर्मली 5-7 परिवार ही रहते हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवार है, तो मुझे लगा वो जगह ज़्यादा अच्छी है और वहाँ पे अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, अच्छी तरीके से वहाँ पे बता सकता हूँ। तो अगली बार हम दिखाएंगे यहाँ पे, अगर सब कुछ अच्छा रहा, अच्छा चलता रहा, तो यहाँ पे दिखाएंगे, बाकी हमारे गाँव में ऐसी पूजा होती है। तो अभी हम घर पे पहुंच गए हैं और हे ओरियो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय बेब्स, गुड मॉर्निंग। मम्मी भी उठ गई है, मम्मी ने भी आज क्या बनाया मम्मी आज? रोटी दनला और सब्जी दही। ओके मम्मी, आज मैंने तो बहुत खा लिया, बहुत इतना खा लिया कि गांव में जहाँ जहाँ से मिला लपेटते गया तो सब चीज़ खा लिया। बाकी अब घर से भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, थोड़ा बहुत खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है मम्मी, और आज मम्मी ने बनाया मस्त कढ़ी चावल, उसके साथ ना स्पेशल प्याज की पकौड़ी। आजकल मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, ये पापा की मेन ख्वाहिश थी कि प्याज की पकौड़ी। प्याज की पकौड़ी पसंद है आपको? मुझे सब पसंद है, मम्मी जो बनाए वो बस मम्मी जो बनाए वो सही है। पापा की डिमांड पर हमेशा खाना बनता है, और आज प्याज की पकौड़ी बनाई है, और इसके साथ में थोड़ा बहुत प्याज भी है सैलेड में, बाकी कड़ी चावल का मस्त लुफ्त लेता है यार, एकदम मस्त है। आज आप घर पे क्यों रहे? आज मार्केट हो पाए। क्यों? गोलिया देवता की पूजा के लिए? हाँ, गोलिया देवता भी है, फिर मार्केट वॉक भी है। अच्छा, आज संडे था तो पापा के आज छुट्टी है, लास्ट संडे है ना, तो पापा की छुट्टी भी है। और जब संडे रहता है तो मतलब पापा की छुट्टी रहती है, उस दिन हमारा बड़ा खाना हो जाता है नहीं तो खिचड़ी वगैरह खाते हैं हम ज़्यादा खिचड़ी पोहा है ना पापा? नहीं, पापा तो मार्केट में खा लेते हैं, पर वो तो मुझे पता ना, अंदर की बात है। मम्मी वो तो जाने। तो यार कुछ ऐसा था आज का दिन, और अभी मौसम में एकदम बादलों वाला हो गया है, आप देख ही रहोगे सामने, दिखा था सामने ये वाली लेयर पे ना पूरी बारिश आने की आज पूरी आशंका लग रही है, और ऊपर तो अभी खाली खाली है, बट यहाँ पे लग रहा है कि बारिश आ सकती है रात को। और दिन भर जब भी ऐसा धूप रहता है, ऐसा मौसम बना रहता है, तो लगता है शाम को बहुत तगड़ी बारिश आने वाली होती है, बट ऐसा आइडिया लगाते हैं हम कि हो सकता है शायद बारिश आए, शायद मौसम साफ भी हो सकता है, बट ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है। बाकी आज का कुछ ऐसा दिन था, हम भी आज के दिन को, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। और आप लोग सोच रहे होंगे यार कभी ब्लॉग कंटिन्यू आते हैं, कभी ब्लॉग ऐसे 3-4 दिन लेके गैप लेके आते हैं, तो वो कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि कब तक पता नहीं क्या हो जाता है, कभी बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, फिर कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज के ब्लॉग को ये मैं एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करेगा, इसकी बहुत ज़रूरत लग रही मुझे अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा अभी लाइफ में, तो थोड़ा शेयर करो। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।